ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, जो कि साल के 12 महीने में से 10 महीने फूलों से भरा रहता है, आपके गार्डन को कलरफुल लुक देता है और आपका पूरा गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस खूबसूरत पोर्चुलाका प्लांट के बारे में, जिसे आप पोर्चुलाका, 9 o'clock प्लांट, गुले दोपहरी, लोनिया, इन सभी नामों से जानते हैं। अगर आप इस प्लांट को नर्सरी में लेने जा रहे हैं, तो ये प्लांट आपको नर्सरी में इजीली, हमारे यहाँ जो इसका प्राइस है 10 से 15 रुपए में इजीली मिल जाता है। और ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, इनमें दो वैरायटी आती है, एक इनकी हाइब्रिड वैरायटी होती है जो कि 3 से 4 महीना ही रहती है, वो आपको फेब से लेके जून तक में हाइब्रिड वाली मिलेगी, लेकिन उसमें कलर कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो देसी वाली वैरायटी है, ये आपके गार्डन में एक बार आ गई तो फिर ये पूरा साल बनी रहती जाती नहीं। इनको आप वेस्ट कंटेनर, बॉटल्स, प्लास्टिक के डिब्बे किसी में भी लगाएंगे तो इतने ही खूबसूरत इनमें फूल आते हैं, जो कि बहुत लो मेंटेनेंस में होते हैं। बिना किसी पैसे को खर्च किए आप इनको ईजली अपने गार्डन में लगा सकते हैं, कटिंग से ईजली लगते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, या तो आप कटिंग नर्सरी से इनके प्लांट ले आएँ। ये देखिए, ये है पर्सलेन, जो कि पोर्चुलाका ही की तरह खिलते हैं और इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। या तो नर्सरी से नया प्लांट लेकर आइए, या फिर आप इनकी कटिंग लगाइए। कटिंग से ये 1-2 इंच की कटिंग से भी इजीली लग जाते हैं, या फिर जब ये स्पेंट होते हैं तो उनके फ्लावर्स में बीज बनती है, आप उनको कलेक्ट करके बीज से भी नया पौधा इसका बना सकते हैं। इस प्लांट की जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, ये आप देख रहे हैं, ये सब कुछ मैंने फ्री में वेस्ट बॉटल का यूज़ करके बनाया है और ये इतना खूबसूरत लगता है कि बस लगता है आप इसको देखते ही रहिए। इनकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो ऐसी ही फ्रेंड्स, कि आप इसको अपने गार्डन में ऐसी जगह में लगाएं जहाँ पे ये आपका पूरे दिन की तेज़ धूप मिलना चाहिए। जितनी अच्छी इस फ्लावरिंग प्लांट को धूप मिलेगी, उतने अच्छे से ये ग्रो करता है। ये देखिए, हैंड पॉलिनेशन है। अगर आपको चाहिए कि आपके गार्डन में जो फ्लावर्स का कलर है वो चेंज हो जाए, तो इस तरह से दो अलग अलग फूलों को आप एक साथ जब पॉलिनेट करेंगे हैंड से, तो फिर उसमें जब उस नया फ्लावर्स आएगा तो वो दो कलर में खिल के आएगा। तो कभी कभी ये भी काम कर लेते हैं। इनकी जब मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी आपको एकदम वेल ड्रेन बनाना होता है, जिसमें पानी बिल्कुल भी रुकने ना पाए। जब किसी भी पौधे में पानी रुकता नहीं है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और प्लांट अच्छे से खिलता रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ तो मेरे गार्डन में खिले हुए पौधे हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इन पौधों को गमलों में भी लगा सकते हैं। गमलों में बहुत आसानी से चलते हैं, मतलब इनको लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा गमला, कोई स्पेसिफिक साइज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि आप इस तरह के गमले में लगाएं तभी ये ग्रो करेगा। ये छोटे से छोटे पॉट में और बड़े से बड़े प्लांटर में ईजली ग्रो हो जाता है। इसमें भी देखिए, रेड और येलो का एक है, इसको हैंड पॉलिनेट कर रही हूँ। इससे पौधे में कलर जो है वो दूसरे कलर का आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप सनलाइट हो गई, वाटरिंग हो गई, इसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको एक काम जो है वो प्रॉपर वे में करते रहना है। उससे क्या होगा कि आपके पौधे में लगातार फूल खिलता रहता है। और ये जो पौधा है ना फ्रेंड्स, इसमें फूल ऐसा नहीं है जैसे और प्लांट होते हैं, आपने खाद दिया उसके 20-25 दिन के बाद फूल खिलते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको इनकी डेड हेडिंग, यानी जो भी फ्लावर्स खिल के मुरझा गए हैं, इस तरह से 1-1 इंच का आपको मुरझाए हुए फूलों को कट करते रहना होता है। जितना ज़्यादा इस तरह से देखिए, जब इनकी सीड्स एकदम सूख जाती हैं तो उसके अंदर उसके बीज होते हैं, अभी वो प्रॉपर सूखी नहीं थी इसलिए बीज नहीं निकले उसमें से।
इनको आप जितनी ज़्यादा डेड हेडिंग करेंगे, इनके खिले हुए फूलों को जितना ज़्यादा कट करते जाएंगे, तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको आपके पौधे में ढेरों ढेर कलियां लगी मिलेगी। बहुत सिंपल तरीका है, डेली एक बार आप जाइए, जो भी स्पेंट फ्लावर्स हो गए हैं उन फ्लावर्स को आप कट करके हटा दीजिए, तो पौधे में उसकी जगह नए नए कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। खाद की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसकी खाद की कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन क्योंकि अभी ये इसका फ्लावरिंग टाइम है तो आप इसमें खाद कुछ ना कुछ डालते रहिए मंथ में एक आध बार। तो आज मैं इस प्लांट में जो खाद देने वाली हूँ वो होममेड ऑर्गेनिक खाद है और एकदम फ्री की खाद है, आपके किचन से वेस्ट में निकलता है जिसको आप बाहर फेंक देते हैं, तो वही खाद अपने इस गमले में फीड करने वाली हूँ। तो उसके लिए, उससे पहले, खाद देने से पहले गुड़ाई ज़रूरी होती है। अब ये वाले पॉट में जब आप इनको लगाते हैं तो इनकी जड़ें पूरे पॉट में फैल जाती हैं और इनकी जड़ें बहुत डीप नहीं जाती, मतलब इनकी जड़ें एकदम ऊपर ही ऊपर रहती हैं, तो इसमें गुड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप गुड़ाई करेंगे तो प्लांट की ब्रांचेस कटने लगेंगी, इसलिए गुड़ाई नहीं कर सकते इसमें। तो बिना गुड़ाई के हल्का हल्का सा, जहाँ पे इनकी कोई रूट्स नहीं थी, जड़ें फैली नहीं थी, वहाँ मैंने हल्का हल्का सा उसको गुड़ाई कर दिया है। अब इसमें जो खाद, देखिए ये मेरे पास तीन चार या पांच कलर के पोर्चुला का है, वाइट वाला अभी मेरा नहीं खिला है, वरना वाइट कलर का भी है। अब जब मैंने इसकी अच्छे से, इसकी गुड़ाई तो कर नहीं सकते आप, तो जितने ज़्यादा आप ये पिंच करते रहेंगे ना उतना अच्छा है, आपको नए नए फूल मिलेंगे। खाद के तौर पे फ्रेंड्स मैं अब इसमें डालने वाली हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है, ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है, आपके प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, प्लांट में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको दूर करता है, पौधा आपका लश ग्रीन कलर का होता है, हरी हरी एकदम उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो हर गमले में आप एक से दो दो चम्मच हर 15 दिन में एक बार डाल दीजिए, इस तरह की ये वेस्ट जो चाय पत्ती है, दोनों गमलों में देखिए एक से दो दो चम्मच के करीब मैंने डाल दिया। इससे क्या होगा कि प्लांट में लगातार नई नई ब्रांचेस आती रहेंगी, आपके पोर्चुलाका में भी जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी, जितना हेल्दी प्लांट होगा उतनी ज़्यादा अच्छे से आपका पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। अब जो दूसरी खाद है फ्रेंड्स, ये भी एकदम फ्री की है, इसको डालने के लिए देखिए मैंने आधा ये जो कप टाइप में है इसमें हाफ बॉटल तक मैंने पानी ले लिया, और ये देखिए जो दूसरी खाद है ये तो एकदम ही फ्री की है, ये है देखिए केले के छिलके। बनाना पील्स में हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ये खाद भी आप 10 से 15 दिन में अपने पौधे में रिपीट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डालते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्लांट में फ्लावरिंग होगी। दो हिस्सा पानी और एक हिस्सा ये बनाना पील का पानी मिला के, केले के छिलकों का पानी आप मिला के अपने हर पौधे में डालिए। कोई भी फूलों वाला पौधा है जिसमें फूल नहीं आ रहा है, अगर आपने उसमें केले के छिलके का लिक्विड डालना स्टार्ट कर दिया तो गारंटी है कि 15 से 20 दिन में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इनको कटिंग से लगाना एकदम ईजी होता है, ये भी देखिए मैंने कटिंग से लगाए, में कुछ वेस्ट कंटेनर है, ये छोटा सा 4 इंच का पॉट है नर्सरी का, इसमें मुझे लगाना है ये रेड कलर का, तो सिंपली आप जो भी कलर का लगाना चाहते हैं उसकी एक ब्रांच को आप कट कर लीजिए, ब्रांच कैसी भी हो, चाहे 2 इंच 3 इंच कुछ भी हो, ये देखिए मैंने ये ब्रांच कट कर लिया, इसके नीचे की कोई भी लीव्स नहीं होना चाहिए, सिंपली होल करिए और होल करने के बाद उसमें आप इसकी कटिंग को प्लेस कर दीजिए और हल्के हाथों से दबा दीजिए, बस आप देखेंगे जैसे ही धूप में ये 2-3 दिन रखा रहा और इसमें जड़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं इसमें एक येलो कलर का भी लगा देती हूँ क्योंकि उसमें जो भी लगे सारे ऑरेंज, ये जो मजेंटा कलर है उसके फ्लावर्स आते हैं, तो ये रेड और येलो का भी कॉम्बिनेशन उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये येलो वाली कटिंग है, इसको भी बस
स्पेस किया, मतलब होल किया, और होल करने के बाद उसके अंदर ये कटिंग फिट कर दिया। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स आप भी इनको कटिंग से इजीली लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाते हैं और पूरे साल आपके गार्डन को हरा भरा और फूलों से भरा रखते हैं। बस जो 2 महीना होता है दिसंबर और जनवरी, उस टाइम में इनकी ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट को आपको सेव करना होता है। तो बस एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक फ्रेंड्स आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।